उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन ने आज अपने कार्यालय कक्ष में धनबाद के पक्षी प्रेमी एके सहाय द्वारा लिखित पुस्तक बर्ड्स ऑफ धनबाद का विमोचन किया। पुस्तक का विमोचन करने के बाद उपायुक्त ने एके सहाय से यहां पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, साथ ही उनके कार्यों की सराहना भी की। एके सहाय ने बताया कि धनबाद की जलवायु विभिन्न तरह के पक्षियों के लिए अनुकूल है। पिछले 2 साल में यहाँ 150 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों की फोटोग्राफी कर 110 पृष्ठ की इस पुस्तक में संग्रहित किया गया है। उन्होंने कहा कि मैथन डैम, पंचायत डैम, तोपचाची झील और इसके आसपास की पहाड़ी, भटिंडा फॉल, सुदूर इलाके के जंगल देश विदेश के पक्षियों को आकर्षित करते हैं। राजस्थान के भरतपुर बर्ड सेंचुरी की तरह यहाँ साइबेरियन क्रेन सहित 20 तरह के विदेशी पक्षी विभिन्न ऋतु में भ्रमण करते हैं। पुस्तक विमोचन के अवसर पर उपायुक्त वरुण रंजन के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल भी मौजूद थे। धनबाद मशहूर है, धनबाद में लोग समझते बर्ड्स नहीं है, लेकिन धनबाद में बहुत सारे बर्ड्स हैं। हम लोगों ने स्टडी किया पिछले 2 साल में, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में करीब 150 से ऊपर इस वजह से बर्ड्स पाए थे। इसका कारण ये है कि पानी का जो वाटर बॉडी जितना है, वेटलैंड जितना है, उसका लोकेशन इतना बढ़िया है ना कि अंडर ग्राउंड बढ़िया सिंचाई हो जाती है। जैसे कि मैथन जो है, जैसे मैथन निशाकर देख लेता है, आपका तोपचाची राजगंज तक देख लेता है, भाकड़ा जो डैम क्या है, नहीं वाटरफॉल्स है, बठिंडा वाटरफॉल्स, वो फुटकी से देख लेता है। इस तरह से बहुत जगह है, इसलिए काफ़ी जंगल भी है, काफ़ी यहाँ पे 20% एरिया जंगल है यहाँ पे, इसलिए बर्ड्स काफ़ी यहाँ पे आते हैं। धनबाद टाउन के अंदर में 6 जगह हम लोग पता लगा, जहाँ कि 2 घंटे का मैप 20 तरह का बर्ड्स डिपार्टमेंट देगा। संदेश ये है कि धनबाद में बर्ड्स हैं, धनबाद में बर्ड्स के बारे में हमें सोचना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा फीलिंग रखना चाहिए।